आ रही यालो ही बेटा, नीचे नहीं जाना। तो गाइस ये है पार्किंग एरिया, अभी हम यहाँ से क्या हो गया मेरा। तो गाइस फाइनली अभी पहुंच चुके हैं हम, अभी यहाँ पे पार्किंग करी है। यहाँ से ऊपर 500 मीटर की दूरी है, मतलब 500 मीटर हमें चलना पड़ेगा, 100 मीटर रह गया बस। अच्छा वहाँ पीछे से सही नहीं लगाया मैं, सही पार्किंग कर दी मैंने, अब 100 मीटर रह गए भाई साहब। ना ना बस एकदम मंदिर की लाइन के पास पैदल चलने की कोशिश कर। ये बढ़िया है शिव भाई हैं, आज हम दोनों फ्री हैं थोड़ा। पूरी मार्केट है, क्या देख रहे हो? इतने मिल रहे हैं क्या? अच्छा यहाँ पर यही तो होता है प्रसाद, यही प्रसाद में मिलेगा। अभी ऊपर लेंगे ना प्रसाद, चप्पल लोगे? चलो देखते हैं अभी ऊपर से, जब दर्शन करके आ जाएंगे फिर देखते हैं कुछ लेना है नहीं लेना। ये मार्केट है, मार्केट बढ़िया है ना इस, है ना? यहाँ से कोई सूट लेके चले जाना और फिर वीडियो बनाना उस पर इंस्टाग्राम पे, है ना? सो गाइस यहाँ पे देखो सूट भी मिल रहे हैं, यहाँ पे बैंगल्स भी मिल रही हैं। तो एक तर किसी जी बाबा के यहाँ चढ़ानी है, ठीक है, एक वापस बाबा को दिखा के विश बोल के घर ले जानी है। दो चढ़ानी है और एक दिखा कर वो वापस अपने घर ले जाके उसको विश पूरी हो जाए तो उसको वापस। अच्छा वापस उसको यूज नहीं करना, ठीक है ठीक है। क्या प्राइस है इनका? तो गाइज हमने ये 300 शीशे ले लिए, 150 रुपए के दिए, आप कमेंट से बताना महंगी लिए सस्ती लिए। क्या चाहिए इसको वो दिला दो ना, तो ये दे दो ना इसको, ये तो आते हुए चीजें दिलवा दी तुमको, ये तो सब कुछ चाहिए इसको देखे। यही चाहिए ना यार, क्या चाहिए बताओ जल्दी से। ये दे दो इसको, ये ले लो। चलो फिर डैडी की गोद में चलो। ये पेड़ देखो आप, नीम का पेड़, ये माँ बाप के टाइम का पेड़ है, आज भी वैसा का वैसा ही है, लोग पूछते हैं। ठीक है ये आप इसकी हरियाली देखो, इसका तना तो आज भी ऐसा कैसा ही भाई, देखो तना देखो इसका। तो गाइस यहाँ पे भैया का फैंस वगैरह मिल गए, फैंस लोग फोटो खिंचाने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे देखो भाई, ये लोग मन्नत करने आए थे कि भाई हमें रोहित भाई से मिलना है, देखो आज भाई रास्ता में मिल गए, बाबा ने की बहुत जल्दी सुन ली है। क्या का द्वार मेन, ये द्वार है यहाँ से, मतलब अब हम अभी घूम के आएंगे यहाँ से हमारा। अच्छा, एग्जिट होगा, ये एग्जिट गेट है क्या? ये एग्जिट गेट है अपना, ये एग्जिट गेट है। यहाँ से हम करेंगे एग्जिट, यहाँ से एग्जिट करेंगे द्वार श्री श्याम जी का, ये एग्जिट गेट है द्वार। तो द्वार आगे इधर से प्रिंस भैया बताएंगे ना कहाँ है प्रिंस भैया? ना ना इस साइड से ये तो एग्जिट गेट है, बाजू में जाएंगे। आ जाओ प्रिंस भाई। अच्छा ठीक है, तीन जगह तो प्रॉब्लम दूसरा, इनमें से कुछ करवाना है क्या तुम्हें? ये यहाँ पे नहीं, ये आगे से लेंगे। ठीक है चलो आगे से ले लेंगे, बस कुछ मत दिखाओ इसको या फैल जाएगी। तो गाइस आज हमें ना बहुत अच्छे दर्शन होने वाले हैं, तो भीड़ भी बहुत कम है, मतलब भीड़ बहुत कम है, और दूसरा अभी जस्ट आरती भी स्टार्ट होने वाली है, तो हमें आरती भी देखने को नसीब हो जाएगी और साथ में दर्शन भी कर लेंगे, और इतने अच्छे दर्शन अभी तक जा रहे हैं भाई, बहुत भीड़ आराम से जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा लग रहा है। जय चलो आगे 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 चलो चलो भाई दर्शन के लिए, सबसे पहले यारोही को दर्शन मिलेंगे।
यार वही को दर्शन मिलेंगे भाई। भाई अच्छी बताऊं, जो वो लाइन जाए ना वो बाहर से दर्शन करेंगे। अच्छा वो रेलिंग प्रिंस भैया, प्रिंस भैया बताएंगे ना प्रिंस भैया। ये दिखाना ये वाली ना, इसके ये वाले बराबर में। ये दोनों खाटू श्याम जी के है ना? हाँ जी। कितने के है भैया ये दोनों? आप तो लगाओ गाड़ी। नहीं नहीं बताओ यार, लगाओ यार, बताओ बताओ कितने के लगा लो आप। क्या अच्छा, मैं तो ये ले रहा हूँ कार में लगाने के लिए। मैंने एक छोटा सा लिया, मैंने भी उसे। अच्छा कितने का बताओ यार, आप दे दो अपनी इच्छा से। कितने का लिया आपने? हाँ प्यारा प्यारा है ना, मैंने 100 का लिया है। और वो कार में के, कार के लिए घर के एक मंदिर में छोटा सा रखने के लिए। भाभी का अंदर है ना वो बैठ गए। सो गाइस ये भाई हैं, इनकी शॉप है यहाँ पर। किस नाम से भैया? श्याम सरणम वैरायटी स्टोर। हाँ, और ये मतलब पार्किंग के जस्ट बराबर में इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है। इन्होंने मुझे बुलाया, काफ़ी प्यार मिला यहाँ पर। और कभी भी आओ इनके पास जरूर आना गाइस। और थैंक यू सो मच भाई। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। एक मुझे ना कार में लगाने के लिए भी चाहिए, उसका मुझे बता दो कितना, वो मैं आपको देंगे देंगे, वो भी देंगे। नहीं नहीं कोई बात नहीं यार, उसका तो ले लो। तो मैंने वैसे पूछा उनसे कि वैसे इसे सुबह लगाना चाहिए अभी लगा दूं? इसको सुबह? वो कह रहे कि यार अभी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे जैसे अभी मंदिर के पास है, दर्शन भी हमने अभी करे, तो जब दर्शन अभी कर सकते हैं तो ये भी हम अभी लगा देते हैं। तो बोलो जय श्री श्याम। सारे दुख लेना भगवान हमारे। बीच में लगाओ ना इसे, बिल्कुल ये इस पे लगाओ, इसको यहाँ पे लगाओ, इसी के वेंट पे है। नहीं वो वहाँ पे, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लगाओ, यहाँ पे। वैसे मुझे लगा थोड़ा बीच में आना चाहिए, बीच में आना। ड्राइविंग करोगे ना तो बार बार आपके, हाँ यहाँ पे लगा लगा। भाई दर्शन हमारे काफ़ी अच्छे हो गए, हमने 2 बार एक्चुअली दर्शन कर लिए है ना प्रिंस भाई? 2 बार हो गए सही में। वैसे तो हमें वो बोल रहे थे, हमें लास्ट में पता चला कि भाई अगर हम पहले मिल जाते, एक बंद हमें कुछ बंदे मिले, वो बोल रहे थे कि हम आपको बिल्कुल द्वार से बिल्कुल, मतलब एक तरह से वीआईपी दर्शन होते हैं, बट कोई बात नहीं। मुझे अच्छा भी ना लग रहा था कि हम अलग से भाई क्यों, हम भी तो दर्शन करने आए। तो हमने एज अ नॉर्मल पब्लिक, जैसे नॉर्मल एक पर्सन जाता है वैसे हमने दर्शन किया, और बहुत अच्छे दर्शन हुए ऊपर वाले के आशीर्वाद से। दो बार दर्शन हुए हैं, आरती भी देख ली है, सब कुछ देख लिया। बस दिल को दर्शन करो, फिर दोबारा घूम के आरती लो। मैं एक चीज बताऊं यार भाई, इतने अच्छे भाई, इतना अच्छा मतलब मुझे लगा राजस्थान के लोगों से मिल गए है ना भाई, इतने अच्छे से मिलते हैं, इतना प्यार देते हैं। मैंने एलविश यादव के ब्लॉग में देखा है, वो जब भी राजस्थान आते हैं तो मतलब राजस्थान की तारीफ करते हैं वो लोग, मतलब लोगों की तारीफ। भाई मैं बोलता हूँ बाकी राजस्थान के जो लोग हैं ना वो तारीफ के लायक भाई, बहुत दिल साफ के और बहुत अच्छे से उन्होंने हमें जो है ना प्यार दिया है, बहुत अच्छे से सब लोग मिले हैं और बहुत मजा आया भाई, बहुत अच्छा लगा राजस्थान आया, बहुत ही प्यारा। लव यू राजस्थान, लव यू। ऐसे प्यार बनाते हैं, डेढ़ बार करेंगे ऐसे ही प्यार बना के रखो आप सब हमारे ब्लॉग्स को भी। और जो जो राजस्थान से है वो कमेंट करना और प्यार दिखाना और शेयर करना ताकि हम जल्दी आए। तो गाइस फाइनली आ गए हैं घर गुड़गांव वापस। कितना 3:30 बजे का टाइम दिखा रहा था, 2:30 बजे आ गए, 1 घंटा जल्दी आ गए। बस अपना आराम से आ गए, हम चलते हैं ऊपर सोते हैं। बाकी इसके अंदर लेंस रखा था पीछे, हाँ। चलो इसे में रहने दो, तो इससे सही निकाल लेंगे ना। बाकी यूश्रा और वो तो ऊपर चले गए, प्रसाद ले लिया था ना। हाँ। तो चलो भाई आई होप ये व्लॉग वैसे काफ़ी बड़ा बना होगा, या तो 2 पार्ट में आएगा या 1 ही पार्ट में आएगा, बट आई होप कि आपको पसंद आया हो। और अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना गाइस। लव यू।